प्रदेश के संसाधनों में हिमाचल के हक को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में चल रहे बड़े पावर प्रोजेक्ट में अब 12% से अधिक की रॉयल्टी प्रदेश को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पर स्थापित होने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए ऊर्जा नीति में उचित प्रावधान किया जाएगा ताकि प्रदेश के संसाधनों का दोहन कर चलने वाले ऐसे प्रोजेक्ट में हिमाचल को उचित हक मिल सके। बीते रोज शिमला के कार्यक्रम में राज्य कोऑपरेटिव बैंक की ऑनलाइन सुविधा और वेबसाइट की लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक राज्य का अपना बैंक है और सरकार हिमाचल के अपने बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बैंक को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में नोडल बैंक के रूप में राज्य सहकारी बैंक को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के बड़े पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कहा कि बड़े स्थापित प्रोजेक्टों में हिमाचल को मात्र 12% रॉयल्टी मिलती है, जिसे अब बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और हिमाचल के संसाधनों का दोहन कर चलने वाले ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में हिमाचल को उसका उचित हक मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से चलाई जा रही औद्योगिक नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश को अपने संसाधनों में उचित हक नहीं मिल पाया, जिसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान किए जाएंगे और इन्वेस्टर मीट के दौरान साइन किए गए सभी MOU को भी फिर से खंगाला जाएगा। न्यूज डेस्क N1। 40 साल से हमारी संपदा लूटते आ रहे जो लोग हैं वो आज हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। हम हिमाचल के युवाओं के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकते। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा। हमारी सरकार उस कार्य को कर रही है। मैं चाहूँगा कि जहाँ पे बैक पीरियड पूरा हो चुका है, जहाँ लोन पूरा ख़त्म हो चुका है, वहाँ 12% रॉयल्टी की जगह हमारी रॉयल्टी जो है उसको और आगे बढ़ाया जा सके, और चाहे वो SJBNL है और चाहे वो NTPC है, चाहे NHPC है, इन प्रोजेक्टों में हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और जो नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसको हमारी सरकार, नई ऊर्जा नीति आने वाली है, उस ऊर्जा नीति के अनुसार उसका अनुमोदन करेगी। और मुझे दुख है पिछली सरकार का कि उन्होंने प्रदेश के हितों का ख्याल नहीं रखा। और जो हमें उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट मीट की उन्होंने, उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट के लिए खर्च कर दिया और प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हमको 12% ऑपरेशन पर बिजली मिलनी चाहिए थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे 12% बिजली नहीं लेंगे, हम आपसे 12% बिजली तब लेंगे जब आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा। इस प्रकार के MOU उन्होंने किए और उस प्रोजेक्ट को 40 साल में जो वापस मिलना चाहिए था, कहा कि आप जिंदगी भर इन पावर प्रोजेक्टों को रखो। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट मीट में इन्होंने MOU किए हैं प्रदेश के हित में नहीं है। हम सब पर विचार विमर्श कर आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।